डॉक्टर दलवीर सिंह कौन थे, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन और केआरपीजी कॉलेज मथुरा। आज हम बात करेंगे जो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है एथलेटिक्स का, फिनिश, हाउ टू फिनिश। जो हमारी रनिंग इवेंट्स होते हैं उसकी फिनिश जो हम करते हैं, वो किस तरह से जो फिनिश हम जज करते हैं कि कौन प्लेयर की क्या पोजीशन है, तो उसके लिए कुछ बेसिक फंडेज हैं जो कि जो इंटरनेशनल एसोसिएशन है IAAF, आजकल उसका नाम वर्ल्ड एथलेटिक्स है, उसके जो रूल्स हैं, गाइडलाइन हैं, उन्हीं गाइडलाइन को हम फॉलो करते हुए हम ये चीज़ें फॉलो करते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि जो हमारी फिनिश लाइन है वो 5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है, और वह जो हमारा वाइट कलर से डिनोटेड होती है हमारी। और जो फिनिश में सबसे बड़ी चीज़ ये ध्यान रखने की है हमारी, कि जो हमारा टॉर्सो है, एक टॉर्सो टर्मोलॉजी हम यूज़ करते हैं इसमें। टॉर्सो का मतलब है कि रिमेनिंग हमारा हेड, नेक, आर्म एंड लेग, जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा उसको हम टॉर्सो बोलते हैं, जो एक्चुअल में हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको धड़ बोल देते हैं। जिस आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, जो आपका रेडिश कलर का, जो आपका ऑरेंज कलर का जो पोर्शन है, वह आपका टॉर्सो है। और टॉर्सो जो होता है उसी वही हमारी फिनिश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो टॉर्सो है हमारा, जिसमें हम हेड और नेक को इंक्लूड नहीं करते हैं, ना आर्म्स को इंक्लूड करते हैं, ना लोअर लिम को यूज़ करते हैं। तो जो टॉर्सो पार्ट है हमारा वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है फिनिश के लिए। इसमें हम आपको एक नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाएंगे कि जो जो हमारा टॉर्सो पार्ट है, जैसे ही हमारा इसका रूल्स क्या कहता है फिनिश का, जैसे ही हमारा टॉर्सो जो हमारी फिनिश लाइन है उसकी वर्टिकल इमेज मान के चलते हैं हम, एक जैसे ही उसको टच करेगा, क्रॉस नहीं करना, टच करेगा, क्योंकि जो हमारी 5 सेंटीमीटर जो फिनिश लाइन है वो एक्सक्लूडिंग है, वो 100 मीटर के डिस्टेंस में इंक्लूड नहीं है। जैसे ही वह उसको टच करेगा, ऐसे ही हमारी रेस फिनिश हो जाएगी। टॉर्सो को टच करते ही हम रेस को फिनिश मानते हैं। उसकी एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जिसमें वीडियो के माध्यम से ये शो किया गया है कि जैसे ही रेस फिनिश होती है, जो ऑफिशियल्स होते हैं हमारे, जब ऑफिशियल्स होंगे हमारे, जो फिनिश जजेज होंगे, जो डिसाइड करेंगे कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, जो फिनिश जजेज होंगे, तो उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बहुत जगह कन्फ्यूजन होता है कि कोई कहता पैर से फिनिश होगा, कोई आर्म से फिनिश होगा, कोई हेड से होगा, लेकिन यहाँ बेस एकदम क्लियर है कि जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है, IAAF है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, फिर रूल्स में स्पष्ट लिखा हुआ है, जैसे ही हमारा टॉर्सो फिनिश लाइन को टच करता है वैसे ही रेस फिनिश मान ली जाती है। तो एक वीडियो है, मैं आपको ये वीडियो शो करना चाहूँगा। से आपको ये चीज़ पता चली होगी कि किस प्रकार से हम जितने भी रनिंग इवेंट्स होते हैं, वह 100 मीटर हो या मैराथन रेसेज हो या कोई भी लंबी रेसेज हो, उसकी फिनिश हम कैसे जज करते हैं कि कौन प्लेयर की क्या पोजीशन है। इसके लिए एक बहुत हाई टेक्नोलॉजी का सॉफ्टवेयर भी हम यूज़ करते हैं, फोटो फिनिश कैमरा होता है। इसकी जो कैपेसिटी हो 1000 फ्रेम पर सेकेंड के हिसाब से उसकी कैपेसिटी होती है, लेकिन नॉर्मली हम जो लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं या जो छोटे टूर्नामेंट होते हैं, वहाँ नेकेड आइट से हम मैनुअली उसको जज करते हैं। तो ये बहुत हमारा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फिनिश, क्योंकि इसी से रेस का जो डिसीजन है वो सब इस पर डिपेंड करता है।
और इससे हम ये डिसाइड करते हैं कि फिनिश कैसे होनी है। आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम उन चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।